हेलो भाई, तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो कोई एक अनयूजुअल सा टॉपिक हो है। क्यों? क्योंकि ऐसे टॉपिक्स पे जनरली मैं बात नहीं करता और मैं प्रेफर भी नहीं करता कि कोई भी बात करे। क्या ये टॉपिक होने वाला है, क्या हम बातें करेंगे, वो सब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आज एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी स्कूल में कहीं पर ड्यूटी लगी हुई थी। जैसे ही वापस आया तो ऐसे स्क्रॉल करने के लिए यूट्यूब वगैरह खोला मैं, तो सबसे पहले मेरे पास एक वीडियो आई अमन दत्तरवाल करके एक चैनल है ना, उसको सभी जानते हैं। लगभग लगभग 4.5 मिलियन के आसपास उनके सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो उनकी एक वीडियो आई और ऐसा वियर्ड सा टॉपिक लिख रखा उस पर कि अमन दत्तरवाल रिप्लाई टू फिजिक्स वाला। अब देखो, हम एज ए टीचर या बच्चे मैं हमेशा ये सजेशन देता हूँ कि भाई कौन टीचर क्या कर रहा है, कौन बड़ा यूट्यूबर क्या कर रहा है, कौन किसको पोक कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मतलब मैं अवॉइड करता हूँ इनको कि भी, और सुझाव भी यही देता हूँ कि भाई बचो इन चीज़ों से जितना हो सकता हो। क्योंकि हम आपकी अब पर्सनल लाइफ एक अलग चीज़ है, बट जब हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जब थोड़े से हो जाते हैं ना, एक फैमिली हमारे साथ जुड़ जाती है, तो एक प्रभाव होता है फिर हमारा। कुछ दो टीचर्स थे जिनको मैं थोड़ा सा बड़ा गजब मानता था। मतलब एक तो फिजिक्स वाला, मतलब वो तो एक तरह से बिल्कुल जैसे खान सर हुए, फिजिक्स वाला ये वाले हुए, ये तो मतलब गोड लेवल है इनका। तो फिर आता है अमन दत्तरवाल जैसे, ये इनको हम, फिर मैं ऐसे देखता था कि यार कितना यंग, उसमें कितना बढ़िया कर गया है, गजब है, मज़ेदार है ना, हम क्यों नहीं कर सकते इतना बढ़िया। मतलब इनको थोड़ा सा ऐसे देखते थे कि ये तो हम भी कर सकते हैं, रिलेटेबल सा होता था इनसे। बहुत टाइम पहले से इनकी वीडियोज़ देखना और कहीं पर इंटरव्यू वगैरह हो रहे तो बड़ा रिलेटेबल सी लगती थी ये चीज़ें। फिर ऐसे ही टीचर्स को हम आपस में कुछ उलझते हुए देखते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। अब हुआ एक्चुअली मैटर क्या है कि जो अभी तक मुझे पता चला है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, और मैं तो ये सुझाव दूंगा कि भाई अगर आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना तो अवॉइड करना। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो मुझे अभी तक पता चला है, मुझे ऐसा कि कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती है और कुछ ठीक भी हो सकता है, कि फिजिक्स वाला सर ने जो अपना चैनल में ये चीज़ें स्टार्ट की हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अमन दत्तरवाल की के चैनल से या उसकी जो फॉर्म थी या जो उसने चीज़ें अपना एडटेक बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें से बहुत सारे टीचर्स अमन दत्तरवाल के चैनल से उठा के वो अपने पास ले गए। और वो किस चीज़ में लेके गए हैं, कानूनी रूप से और ठीक है या नहीं है, वो उसमें हम पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन मेरा सुझाव एक ये है, देखो एज ए टीचर या एज ए मतलब उनका सब्सक्राइबर लगा लो, यंग एस्पिरेंट जो उनको उनकी तरफ ऐसे होप की तरह देखता है कि यार देख कितना बढ़िया कर रहे हैं, हम भी उतना ही बढ़िया करेंगे। कि देखो सबसे गलतियां हो जाती है, सबके मन में और अच्छा करने की आती है। लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप आपस में बात कर लीजिए, और मुझे पता है इस वीडियो को वो देखने नहीं वाले हैं, और देख ले तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि देखो हम आप सबको ना एज ए गाइड, एज ए मतलब नहीं कहते एक तरह से, जैसे पेरेंट्स हमें सुझाव देते हैं, समझा के रखते हैं, ऐसे ही हम आप सबको देखते हैं। और अगर आप सब भी ऐसे ही तू तड़ाक पे लड़ाई में उतरोगे, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोक्सी वॉर बोल लो इसको, तो फिर हम किसकी तरफ देखें? तो एज ए एस्पिरेंट और एज ए आपका सब्सक्राइबर, आप दोनों की ही फैमिली से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप दोनों को मैंने सब्सक्राइब कर रखा, और हम तो छोटी छोटी क्लिप्स इतनी देखते थे कि मतलब गर्म मज़ा आ जाता था। तो अब जब दोनों ही लड़ रहे हैं तो हम किसकी तरफ देखें? तो जितने मेरी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए भाई, आप सबसे मेरा यही सुझाव है कि आप लोग किसी एक साइड जाने की बजाय ये कोशिश करना कि पहले तो सच जानने की कोशिश करना, फिर सच के साथ खड़ा होना, और सच के साथ इस तरह से मत खड़ा हो जाना कि भी दूसरी साइड टूट जाए, इस तरह से खड़े होना कि दोनों जुड़ जाएं और दोनों में से जिसकी भी जो भी गलती है वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए, ठीक करते हुए एक साथ आगे बढ़ जाएं। ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो थी। बट इनके बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं भाई, ये ना तो मेरा कोई पर्सनल मैटर है ना मैं पढ़ना चाहता इसमें, और आप इस चीज़ को नेगेटिव भी मत लेना। बस मेरी पर्सनली फीलिंग्स थोड़ी सी इन दोनों से ही जुड़ी हुई थी, क्योंकि फिजिक्स वाला मैंने बताया कि तो गोड लाइक फीलिंग आ जाती है इनको देखते, तो यार कितना बढ़िया कर गए और इतनी बड़ी वो बढ़िया स्टार्टअप बनाए अभी अभी। और ऐसे ही अमन, अमन तो बिल्कुल ऐसा होता था कि जैसे कहीं ना कहीं कोई दूर बैठा हुआ हमारा ही बड़ा भाई, और जिससे हम अपने आप को रिलेटेबल मानते थे। तो फिर दोनों के बीच में ये चीज़ें आना कहीं ना कहीं बहुत गलत है, और बहुत ही गलत ट्रेडिशन सेटअप हो रहा है, और कहीं ना कहीं आज उनके साथ हो रहा है तो कल क्या पता हमारे साथ भी हो जाए। तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ बात करके चीज़ों को शॉर्ट आउट करो, और
अपने सब्सक्राइबर से भी ये कहना चाहूँगा भाई, आप सब भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस चीज़ को हैंडल करना, किसी के साथ पंगे मत लेना, डायरेक्ट कहीं एक जगह कमेंट करने लग जाओ अपनी पढ़ाई को छोड़ के, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हो, फिर उसके बाद इधर उधर की चीज़ें। जय श्री राम, भारत माता की जय।